शहर महिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर दुर्ग के राजीव भवन में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पुत्रा पुत्री स्वरूप राम जानकी का विवाह संपन्न कराया गया, जिसके तहत विवाह में अन्य सारी रस्में भी निभाई गई। शहर महिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर शानदार गुड्डी गुड़िया विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसके चलते दुर्ग के राजीव भवन में मंडवा सजाया गया। शहर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कन्या ढीमर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ये पहला भव्य आयोजन कराया गया है, जिसमें सारे रीति रिवाज को बखूबी नियम अनुसार निभाया गया है। साथ ही इस आयोजन के पीछे अपना उद्देश्य बताते हुए कहा कि आजकल छोटे बच्चे सिर्फ मोबाइल पर अपना समय लगाकर पारंपरिक खेलों से दूर होते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में गुड्डा गुड़िया के विवाह को लेकर हम बच्चे काफ़ी उत्साहित रहा करते थे, वहीं आज के बच्चे इन सब से दूर होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि दुर्ग के राजीव भवन में बैसाख शुक्ल पाख में मड़वा सजाया गया, साथ ही महिला कांग्रेस कमेटी की महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर चूल माटी में शामिल हुई। वहीं मायन चिकट की रस्म भी निभाई गई। बारात पर घानी के समय दुर्ग विधायक अरुण वोरा व शहर महापौर धीरज बाकलीवाल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आर एन वर्मा व निगम सभापति राजेश यादव सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर महिला कांग्रेस कमेटी की महिलाओं सहित अन्य कांग्रेस नेत्रियों द्वारा विवाह के दौरान छत्तीसगढ़ी गीत पर शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, अल्ताफ अहमद, समाज सेवी रत्ना नारायण देव सहित अन्य महिलाएं झूम उठी और नाचते हुए लुत्फ उठाया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने शहर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कन्या ढीमर के साथ छाया चौधरी, निरुपमा जस्सल, प्रियंका, रीता टंडन, पिंकी राजपूत, सोनिया सिन्हा की अहम भूमिका रही। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कन्या ढीमर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अवसर पे पूरा दुर्ग शहर और पूरा छत्तीसगढ़ बहुत बहुत बधाई। यह हम जो छत्तीसगढ़ में अक्षय तिथि में अक्ति में जो सबसे पहली हम किसान मन खेत में जाके धान के आज के दिन की बुआई जो करते, आज के दिन बहुत शुभ दिन है। किसान से लेकर सब जो हम छत्तीसगढ़ के परंपरा है, आज जो एक पुत्री पुत्रा के बिहाव जो छोटे छोटे लड़का मन लड़की मन हाँ जो करते छत्तीसगढ़ में मड़वा गड़ा के दूल्ही दूल्हा पुत्री पुत्रा बने दूल्ही दूल्हा से सजा के जो रखते, तो हमारे छत्तीसगढ़ में ये सब पहली होत रही से। आज के लड़का मन हाँ मोबाइल में मोबाइल चला के सेती सब भूल गए हैं। तेला हमन मला ये संदेश देना चाहतन कि हमन आज छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है, आज वो परंपरा ला हमार लड़का मन भूल गए हैं। तेला हमन मला संदेश देतन कि आज ये परंपरा बहुत जो मानसिक और अपन मानसिक विकास के और जो सोच विचार जो हमार छत्तीसगढ़ में होते थे बहुत अच्छा होते। आज हमन जो कार्यक्रम रखते हैं पुत्री पुत्र विवाह कांग्रेस भवन में, तो पहली सुबह तो हमन मड़वा गड़ा हन चूरमाटी के हन, और हमार जो छत्तीसगढ़ के परंपरा है रीति रिवाज है ओला पूरा करे हन। ओकर बाद मंगोहन प्रधान दतेला गए हन, मायन चिकट सब अच्छा हल्दी से पूरा हमन खेले हन। ओकर बाद फिर बरात प्रधान और टिकावन बिठा हन। आज कांग्रेस भवन में कार्यक्रम रखे गए हन, जिसमें हमार महिला कांग्रेस के सभी बहनी मन और सब बढ़ चढ़ के जिसमें भाग ले है। जिसमें हमार मन के ब्लॉक अध्यक्ष रही से छाया चौधरी, निरुपमा जस्सल और सीता टंडन, प्रियंका मुलझेरे और पिंकी राजपूत, और इनमें हमार अरुण भैया है दुर्ग विधायक के, दुर्ग विधायक जिन महापौर ये लड़का पक्ष में रही से, और हमार जो लड़की पक्ष में हमारे महिला कांग्रेस में रहे ते अरुण भैया यहाँ कांग्रेस भवन में जब आगमन हुई से ते हम पूरा महिला कांग्रेस और पूरा कांग्रेस जन के हमारे महिला बहन मन कर स्वागत करें बारात ला, और जो छत्तीसगढ़ के नियम रही थे पैर धो के हाथ गोड़ धोते गोड़ धो के
और चावल पीला चावल और दूबी से और नारियल से वाला भेंट करके बारात के सही मंडप तक ले गए हैं मलवा। हमारी शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कन्या ढीमर जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुए हैं जो छत्तीसगढ़ में पहली बार अक्षय तिथि के रूप में हमन मना है और एक कार्यक्रम हमन ला बहुत बढ़िया लगी। पूरा मंडप सजे रहीस, ऐसे लगत रहीस कि एमें पुत्री पुत्र की शादी नहीं होते कोई बिहाव होते। तेमन हमन बहुत इंजॉय करें। हमारे अध्यक्ष कन्या ढीमर दीदी के ओकर संयोजन में हमला बहुत मजा आई, हम बहुत इंजॉय। आयोजन बहुत ही अच्छा रहा। इसमें जो शुरुआत से मंडप से लेके चुलमाटी, जब हम गए चुलमाटी तो वहाँ इतना आनंद आया, हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम गुड्डी पुत्री पुत्र के विवाह में हैं। हमें ऐसा लगा कि हम सच में शादी का आनंद ले रहे हैं, सही में शादी हो रही ऐसा हमें आभास हुआ और दिल से खुशी हुई हमें। हमने इतना इंजॉय किया वहाँ, बहुत ही खुशी हुई और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा लगा। बहरहाल गुड्डा गुड़ियों का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।